पोलिंग का अभी जो ट्रेंड है वो बहुत अर्ली ट्रेंड है। बीजेपी से तो ये तवक्का ही थी कि वो कभी माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं। कांग्रेस चैंपियन माना जाता था माइनॉरिटीज का। कांग्रेस लीडरों की, बीजेपी के लीडरों की बैकवर्ड के कितने चीफ मिनिस्टर, किसी ने बीजेपी से तवक्का नहीं थी। कांग्रेस ने एक दफा भी किसी लीडर ने टॉप लीडर से नीचे कि माइनॉरिटीज के कितने चीफ मिनिस्टर। पोलिंग का अभी जो ट्रेंड है वो बहुत अर्ली ट्रेंड है। मेरे ख्याल में जो असली ट्रेंड पता चलेगा वो 6-7 बजे के बाद, क्योंकि नॉर्मली इलेक्शंस 8-9 बजे 10 बजे से पहले ख़त्म नहीं होते हैं पूरा रिजल्ट, लेकिन 6-7 बजे तक रियल ट्रेंड लगेगा। लेकिन एक चीज़ में मैंने जो महसूस की इस पूरे 20-25 दिनों में, जिसको मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि बीजेपी से तो ये तवक्का ही थी कि वो कभी माइनॉरिटीज की बात नहीं करते हैं पब्लिक मीटिंग, लेकिन कांग्रेस जिसको 38 साल से चैंपियन माना जाता था माइनॉरिटीज का, तो इस वक्त पूरी बहस महदूद रही कांग्रेस लीडरों की, बीजेपी के लीडरों की, बैकवर्ड के कितने चीफ मिनिस्टर, किसी ने बीजेपी से तवक्का नहीं थी। कांग्रेस ने एक दफा भी किसी लीडर ने टॉप लीडर से नीचे कि माइनॉरिटीज के कितने चीफ मिनिस्टर, या माइनॉरिटीज की क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो सर्विस में कितने हैं, मिनिस्टर कितने हैं, एमपी कितने हैं, हाँ ये नहीं। तो इस इलेक्शन का ये ट्रेंड निकला कि माइनॉरिटीज किसी के खाते नहीं, हालांकि उसके बावजूद भी कांग्रेस ने एक तरफा वोट दिया माइनॉरिटीज को, लेकिन बदकिस्मती है कि वो दूसरी पार्टियों की तरह से सेकुलर पार्टीज और कास्ट कांग्रेस बिल खसूस उनके एजेंडे से भी निकल गया। ये भाई से तशवीश भी है, फिक्र भी है, और ये आहिस्ता मैं पिछले कुछ सालों से ट्रेंड देख रहा हूँ। इंदिरा गांधी के वक़्त में जब वो जाती थी, मैं उनके साथ बहुत सफ़र किया, वो हर जगह कहते थे मुसलमान और शेड्यूल कास्ट बहुत गरीब। फिर आगे जब इंदिरा जी गई वो मुसलमान माइनॉरिटीज़ में बदल गए। अब नई लीडरशिप जब से पिछले 8-10 साल से है, माइनॉरिटीज़ भी ख़त्म हो गया, अब हो गया बैकवर्ड और SC ST, माइनॉरिटीज़ गायब। मौजूदा हालात को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मौजूदा हालात जो जो इलेक्शन आएगा, हालात तो पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा, 3-3.5 महीने तो पार्लियामेंट इलेक्शन को, जैसे मैंने कहा नॉर्मली 15 और 18 मार्च के करीब नोटिफिकेशन होती है, और पार्लियामेंट का इलेक्शन 7-8 फेजेस में मई तक चलता है, लेकिन शुरुआत उसकी नोटिफिकेशन से ही होती है। तो इसलिए पार्लियामेंट से पहले जो भी ट्रेंड हो उससे पार्लियामेंट पे भी बहुत असर पड़ेगा, इतना ही कह सकते हैं। जहाँ पे अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो किस तरह आप रिजल्ट को देख रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो? मैंने यही बताया ना कि अभी बहुत अर्ली है, सवेरे है, अभी ट्रेंड पर ये कहना कि क्या क्यों हुआ, अभी जो मैं महसूस कर रहा था एक सब लीडरों की स्पीचेस वो मैंने आपको बताई कि माइनॉरिटीज़ कांग्रेस के एजेंडा से गायब। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.